हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज मैं फिर आपके पास एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ जो अभी कल 40 रुपये भी ट्रेड कर रहा था और आज स्प्लिट होने के कारण वो 4 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है, 4 रुपये 60 पैसे पे। और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अभी इसमें इन्वेस्टमेंट का अच्छा टाइम है कि नहीं है। ठीक है गाइस, और चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं इसकी बैलेंस शीट पढ़ता हूँ और देन आपको मैं इसके टेक्निकल एनालिसिस भी बताऊँगा। तो हम लास्ट 4 या 5 ईयर का इसका प्रॉफिट सेल्स देख लेते हैं। सेल्स मार्च 2017 में कितनी थी, 31 करोड़, फिर 18 में 311 करोड़, 19 में 94 करोड़, मार्च में 30 करोड़ और फाइनली 21 में 38 करोड़। तो सेल्स गाइस कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो इसमें ज़्यादा वो भी नहीं है, मतलब अच्छा है फिर भी। और इसके अलावा हम इसका नेट प्रॉफिट देखें। नेट प्रॉफिट गाइस अगर हम देखें 2019 में -3.6 करोड़ था, माइनस जो 20 है 0.05। फाइनली मतलब मार्च 2021 में इसका कितना था, 12.46 करोड़। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था मार्च 2021 में। और क्वार्टर वाइज अगर हम रिजल्ट देखें, क्वार्टर वाइज रिजल्ट देखते हैं गाइज, हम क्वार्टर वाइज रिजल्ट गाइज आप देखोगे कि कितने अच्छे हैं। 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में 7 करोड़, सितंबर में 8 करोड़, दिसंबर में 7 करोड़, फाइनली मार्च 2021 में कितनी थी, 14.88 करोड़ सेल्स थी। और देन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी उस अकॉर्डिंग ही इंक्रीज हुआ है। जो जो फर्स्ट क्वार्टर था माइनस में थी सेल्स, फिर 4 करोड़, 1 करोड़, देन मार्च 2021 में जो लास्ट क्वार्टर था उसमें 8 करोड़ की सेल्स यहाँ इन्होंने डाली हुई है बैलेंस शीट में। और ये मैंने बैलेंस शीट दिखा दी कि बैलेंस शीट कितनी अच्छी है। और अदरवाइज हम इसमें देखते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। मार्केट कैप इसका 331 करोड़ का है। करंट प्राइस अभी 3.94 यहाँ पे दिखा रहा है, हाई लो 4.21। जो इसका हाई लो है गाइस, हाई कितना यहाँ पे शो कर रहा है, 4.21 रुपये आज के दिन शो कर रहा है। और लो क्या है, 1.3, मीन्स 1.5 रुपये। ठीक है गाइस, और इसमें डिविडेंड डील है नहीं, बुक वैल्यू ये वो। बाकी अब हम और देख लेते हैं इसमें। अब मैं इसके चार्ट की तरफ लेके जाता हूँ गाइस। गाइस इसका अगर चार्ट देखोगे, 40 रुपये से स्टॉक आया है 4 रुपये पे। ठीक है, ये देखिए, मीन्स ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। और अभी इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है गाइस ऊपर जाने का, अगर आपने इस रेट पे भी बाय कर लिया। और ये 8, 10, 20 रुपए आराम से जाएगा आने वाले टाइम में। तो अभी ये इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा टाइम है। कंपनी की मैंने बैलेंस शीट दिखाई कि उसका प्रॉफिट किस तरह, सेल्स किस तरह इंक्रीज हो रही है, और लास्ट क्वार्टर में कितनी कितना अच्छा नेट प्रॉफिट निकल के आया था। तो अभी बहुत ही अच्छा टाइम है इसमें बाइंग की पोजीशन बनाने का। और मैंने आज इसके 400 स्टॉक लिए हैं, 400 क्वांटिटी मैंने बाय की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने अभी अभी मतलब 400 क्वांटिटी बाय की है। मेरे पास फंड भी कम था इसीलिए मैंने इतने शेयर बाय किए। और यहाँ पे अभी मुझे कितना प्रॉफिट चल रहा है, 180 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, 180 रुपीज़ का। तो मैं आपको अभी यही कहूँगा कि अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ी बहुत अमाउंट भी है तो इस स्टॉक को भी बाय कर सकते हो, इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। कल इसकी रिकॉर्ड डेट है और रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर और ज़्यादा भागेगा। और मैं किसी को कोई स्टॉक सजेस्ट नहीं कर रहा बाय करने के लिए, सिर्फ ये एडुकेशनल पर्पस के लिए मैंने बताया है। और वीडियो अच्छी लगी गाइज, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू गाइज, थैंक यू।